नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैं हर हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आता हूँ कुछ टॉपिक्स पे जैसे पिछले हफ़्ते आपके लिए इंडियन फॉरेस्ट इस्टे, स्टेट रिपोर्ट रही थी उससे पहले विवेकानंद जी पे रहा था उसी उसी सीरीज में एक और वीडियो लेके आए हम जो हाल ही में प्र, पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है तो उन्हीं पुरस्कारों के रिगार्डिंग हम कुछ इस इस स्पेशल वीडियो को लेके आए हैं जिसमें आप कम इनके बारे में जानकारी देंगे कि भाई किस किस व्यक्ति ने किस किस पर्सनालिटी ने इस पुरस्कारों को इन पुरस्कारों को जीता है तो चलिए शुरू करते हैं इसकी क्लास को और आगे बढ़ते हैं अपनी चलो देखते हैं तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी है हमारे पद्म पुरस्कारों को लेकर जैसे कि आप अगर इसको नोटिस करें तो ठीक है तो अगर हम इसमें देखें जैसे कि आपका ऑप्शन है कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस को होती है तो भाई हर साल 26 जनवरी को क्या किया जाता है पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और ये यूनियन मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्रीज की घोषणा करती है साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि भाई आपको जो ये पद्म पुरस्कारों को दिया जाता है वो राष्ट्रपति आपको मार्च या अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें इन पद्म पुरस्कारों को लोगों को दिया जाता है तो ठीक है ये भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है ठीक है इसमें सबसे पहला जो बड़ा सम्मान होता है वो आपका भारत रत्न होता है तो उसके बारे में अलग से होगा जब घोषणा होगी तो मैं वीडियो बनाऊंगा बट अभी सिर्फ पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो उसके रिलेटेड मैं डाटा लाया हूँ उन्नीस में ये इन पुरस्कारों की जो है स्थापना की गई थी तब से यह लगातार देते सरकारें देती हुई चली आ रही हैं कुछ कारणवश इनको दो बार सस्पेंड भी करना पड़ा था ठीक है दो बार आपको 1977 से 1976 के बीच में इनको सस्पेंड भी किया गया उसके बाद एक बार नाइनटीन के फेज में 1989 से 1992 तक इनको सस्पेंड किया गया तो ये दो फेजेस में आपका सस्पेंड भी किया गया लेकिन बीच में इसको नई सरकारों ने फिर से इसको शुभारंभ किया और तब से आज तक ये अनवरत जारी है और जो ये आपके पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा होती है वो एक पद्म पुरस्कार कमेटी बनती है पद्म अवार्ड कमेटी बनती है जिसके अंतर्गत जिसको आपके जो मुख्य सचिव होते हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होते हैं उनको हेड करते हैं और इसमें यूनियन होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी होते हैं जो उस लिस्ट को आपको बना के उसको सेग्रीगेट करके उसकी जो फाइनल लिस्ट होते हैं वो रिकमेंड करते हैं यूनियन मिनिस्ट्री को और यूनियन मिनिस्ट्री फाइनली प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है जिससे ये पुरस्कारों को दिया जाता है अगर मैं बात करूं पद्म पुरस्कारों के टाइप्स की तो ये तीन प्रकार के टाइप होते हैं एक इनका पद्म पद्मश्री होता है जो पद्म भूषण होता है जो पद्म विभूषण होता है भारत रत्न के बाद जो उससे जस्ट नीचे हकी में होता है वो आपका पद्म विभूषण होता है यानी ये दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है पद्म भूषण आपका तीसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है और पद्मश्री आपका चौथे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि भारत में चार सर्वोच्च सम्मानों को अधिसूचित किया गया है तो उनमें से ये तीन है और चौथा आपका भारत रत्न है चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि किस पुरस्कार को किसने जीता है या उससे पहले हम एक समरी देख लें कि इस बार के पुरस्कारों की समरी क्या है तो राष्ट्रपति ने इस बार दो युगल मामलों सहित 128 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है तो हुआ क्या है इस बार देखिए युगल मामलों में क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक इंसान को दो पुरस्कार दिए गए हैं तो उसको एक ही केस माना जाएगा तो इस तरह से टोटल एक पुरस्कारों की इस बार घोषणा हुई है जिसमें से चार आपके पद्म भूषण सत्रह पद्म पद्म विभूषण ठीक है चार आपके पद्म विभूषण सत्रह पद्म भूषण और एक पद्मश्री अवार्डो को दिया गया है ठीक है एक पद्मश्री अवार्डो को इसमें से अवार्ड दिया गया है तो ये हमारी एक लिस्ट है एक लोगों की ठीक है चलिए आगे हम देखते हैं इन पुरस्कार पाने वालों में अगर हम और कैटेगराइजेशन करें तो लगभग चौंतीस महिलाओं को ये पुरस्कार दिए गए हैं जिनमें अगर इन सूची में और देखें तो आपके जो विदेशी हैं एन आर आई हैं, पी आई ओ ओ सी आई इनके दस व्यक्तियों को भी ये पुरस्कार दिए गए हैं और साथ ही साथ तेरह लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है चलिए आगे देखते हैं तो पहले हम बात करते हैं भाई अगर पद्म विभूषण के पुरस्कारों की बात करें तो इनमें से ये चार लोगों के नाम मैंने लाए हैं जिसमें इन चारों को क्या दिया गया है भाई पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया जो भारत का द्वितीय सर्वोच्च सम्मान होता है उसमें सुश्री आपकी प्रभा जी है ये कला क्षेत्र से संबंधित है राधेश्याम खेमका जी जिनको मरणों उपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये आपके साहित्य से संबंधित है लिटरेचर से संबंधित है उसके बाद जनरल रा, विपिन रावत जो हमारे प्रथम भारतीय सी भी थे उनको हमारे सिविल से, सेवा के लिए पब्लिक सेवा के लिए आपको सिविल सेवा के लिए क्या दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनका अभी हाल ही में एक दुखद हादसे में निधन हो गया था उसके बाद कल्याण सिंह जी कल्याण सिंह जी जो हमारे यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए भी हमारा पद्म

Uh, क्या किया गया आपको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया इसके अलावा एक और तेरह महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज ऐसी हैं तेरह और महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिनको ये पुरस्कार जिनको ये पुरस्कार दिया गया है तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है हमें यहाँ पर इनको याद रखना है ठीक है और अगर मैं सबके नाम लूँ तो वो आपकी वीडियो के लिए फिजिबल भी नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ खुद नाम लिए हैं मैंने क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और क्या ना इनका डायरेक्ट हमारा रिलेशन है एग्जाम से तो इसलिए मैंने इनके नाम इसमें नोटिस किए आगे बढ़ते हैं और अगर हम पद्मश्री पुरस्कारों पर जाएं, तो पद्मश्री पुरस्कारों में हम देखते हैं तो एक आपके सुमित अंतिल जी हो गए नीरज चोपड़ा जी हो गए सोनू निगम जी हो गए अवनी लेखा तो आपकी ये जो तीन पर्सनालिटीज़ हैं ये आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है जैसे इन्होंने इस बार गोल्ड मेडल भाग कर जीता है ओलंपिक में तो सुमित अंतिल जी ने आपके स्पोर्ट्स में पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीता है अवनी लेखरा ने भी आपके स्पोर्ट्स में मेडल जीता हुआ है तो इन सबको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो भारत का तीसरा चौथा सबसे सर्वोच्च सम्मान है और सोनू निगम जो हमारे गायक भी हैं और कला क्षेत्र में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और इनके साथ ही साथ एक व्यक्तित्व ऐसे और

तो एडिट तो हो जाएगा ना बाद में नहीं हो पाएगा